Morning everyone, today is 2nd of August and we have started our journey back to Srinagar. Manali wala rasta nahi le pa rahe hain kyunki block hai rasta and it is very risky to go via Manali because there are a lot of landslides around. So Srinagar highway, because it's the lifeline of this area, so army keeps clearing it very fast, although there are a couple of blockages on this road as well. I have shifted to the car because of my health. Yesterday I had acute mountain sickness, so one or two days I'll be trying to be in car, and the bikers have already started at 9:30, we started at 10:30. Target is to reach Srinagar today, and we'll take it forward a day at a time. We are exiting Leh. अट्ठाईस तारीख को जब हम ले एंटर कर रहे थे तो इस पूरे सेक्शन में आंधी आई हुई थी और अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट रिकॉर्ड दैट एपिसोड बिकॉज मेरा गोप्रो की बैटरी चली गई थी. पूरी गाड़ी हम लोगों की हिल रही थी. जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कल तक ये बंद थी हाईवे, बीच बीच में खुलती है बंद हो रही है. सो आर्मी वाले प्रॉब्ली दे माइट बी क्लियरिंग इट ऑफ.
We have just crossed the Fatula Pass और हम यहाँ से उतरना चालू कर रहे हैं towards Kargil. Beautiful views. This is a fresh blockage है road का, कल landslide से हुआ है. आर ओ के लोग जो है काम करते हुए दिख रहे हैं सड़क पे. जाते समय हमको नहीं मिला था ये. यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ. ये भी ब्लॉक रहा होगा, ये भी क्लियर हुआ दिखता है. खोला गया है, इधर से रोड बह गई है. यहाँ से बिल्कुल ठीक था जब हम आए थे. मिट्टी भरभरी है, पहाड़ एकदम कच्चे पहाड़ है. विंड से और पानी से कटा हुआ है. दिस इज द नामिकला पास. वी आर पासिंग थ्रू इट. Fatula we have already passed, so this is about 12,000 feet on the way to Kargil. हम यहाँ ये वाखा वादू place है, यहाँ रुके हैं for our lunch. And surprisingly इतनी साफ सुथरी और इतनी अच्छी प्योर वेजिटेरियन वैष्णव किचन है. और हम लोग यहाँ अभी लंच लेंगे. और यहाँ किचन साफ सुथरा एकदम, बहुत सुंदर, नाइस नीट एंड क्लीन. तो ये सपना देवी हैं जो हमको खाना खिलाएंगे. हमको हमने अपना ऑर्डर दे दिया और वी आर वेटिंग फॉर टू हैव आवर लंच. ये हमारे एक थाली आई है जिसमें कुमड़ा है, दाल है, दाल जनरली अरहर की दाल यहाँ नहीं खाते हैं, मसूर की होगी या उड़द की होगी, और प्याज के लच्छे हैं. सिंपल थाली और दही है. ये बटर पनीर, ये है मटर पनीर जो जयन है. सो वी हैव जस्ट पास्ड कारगिल. एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे एक विलेज का नाम है अप्रिकॉट विलेज. अब हम जा रहे हैं द्रास की तरफ. नीचे जो है वो चिनाब रिवर बह रही है most likely, that's what I assume. Today I'm not riding, so I've taken the driver's seat. Cross कर रहे हैं द्रास में. कारगिल मेमोरियल है और यहाँ से वैलीज डिफरेंट हो गई हैं, पूरा ग्रीन पैचेस. जो बैरन पहाड़ियाँ थी, आई थिंक टाइगर हिल जहाँ पे वार हुआ था वो आसपास ही है कहीं, मैं कहते हैं वो सामने वाली है. जो दूसरी गाड़ी है वो आगे खड़ी है और पीछे, तीनों साथ हो गए. यहाँ से जोशीला और सीधा सोनमर्ग. ये पीछे ही पूरा जो एरिया, यहीं पे वॉर हुआ था, कारगिल वॉर. दिस साइड
Jila pass is not a all year round pass, so ठंड में यहाँ बंद हो जाता है, लोग आ नहीं सकते, तो इसलिए अब all weather यहाँ से cross करने के लिए the tunnel is being constructed, you can see on the left side. So 6 kilometer लंबी tunnel है और ये फिर यहाँ का रास्ता जो है 12 महीने खुला रहेगा. So this place will not get disconnected from Srinagar. फाइनली वी हैव रीच्ड सोनमर्ग और अब हमने डिसाइड किया है कि वी विल गो हेड टू गुलमर्ग. थोड़ा सा रात को लेट तक पहुँचेंगे मगर वी ऑल वॉन्ट टू विजिट गुलमर्ग. सो यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और आई थिंक 4 घंटे का रास्ता है बट वी हैव ड्राइवर्स विथ अस सो वी विल बी एबल टू पुल इन. एंड बहुत शानदार व्यू है यहाँ का. यहाँ बारिश काफ़ी हुई है, यहाँ पे भी बता रहे हैं सोनमर्ग वगैरह में. अभी हम लोग जोजिला पास क्रॉस किए और रास्ता जो है ऑल्दो इट इज़ ओपन बट यू नो मेनी प्लेसेस लॉट ऑफ स्लश एंड रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है. हम बस 4-5 दिन पहले ही यहाँ से निकले थे और रोड काफ़ी अच्छा था. सो होपफुली अब हम जो ख़राब रास्ता है वो क्रॉस कर चुके हैं. अब जो जम्मू श्रीनगर वाला जो हाईवे है वो देखना पड़ेगा कैसा है. बाकी तो देन वी आर थ्रू टू विल रीच प्लेन्स एंड उसके बाद तो फिर इट विल बी फाइन.